ठीक है गुरु जी, शायद हमारे कर्म ही ऐसे है कि हम भर रहे हैं पैसे, मतलब जिसको दे रहे हैं तो ये हमारे कर्मों का भोगी, हम पैसे उसे दे रहे हैं, अपना कर्जा चुकता कर रहे हैं। हाँ, ये भी होता है गुरु जी, जन्म का जो है वो तो बिना भरपाई, कर्म तो किसी का पीछा छोड़ता नहीं है जब तक कि भुगतान नहीं। हाँ, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, ये तो हम जान रहे हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब अपने ही कर्म का फल आदमी भोगता है, या पूर्वजों के कर्म को भी आदमी भोगता है गुरु जी, क्योंकि हम उनके एंसेस्टर है। हम उनके डीएनए का हम भी एक पार्ट है, हम उन्हीं का खून, उन्हीं का है, ब्लड उन्हीं का है। तो यदि पूर्वज लोग भी कोई गलती की है तो उसका भी सजा हमको मिले या किसी और को मिले, बिना भुगते हुए। इस बात को मैं डिसमिस कर रहा हूँ, डीएनए वाली चीज को। डीएनए वाली मतलब गुरु जी ये है हमारा कहने, अरे मेरे लाल सुनो, ये जो डीएनए पीएनए बोलते ना भोसड़ी के, डीएनए के बारे में पता भी है इनको, मादर चुप दुनियादारी करते हैं। डीएनए का मतलब कुछ नहीं होता, जो कर्म गलत करेगा उसे ही भरना होगा। अच्छा, उसे ही भरना होगा। अभी मान लेना डाकू है, उसने लाखों लोगों का खून कर दिया, तो उसका पछतावा तो उसे ही करना, उसके बच्चे का नहीं है। लेकिन हम तो सुने हैं गुरु जी कि मैंने बच्चे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। किस मूर्ख प्राणी ने तुम्हें ये ज्ञान दे दिया ये बताओ नहीं हमें, क्योंकि वही उसी आज जैसे पितर लोगों को हम पितृ का तकलीफ होता है, कुलदेवी का तकलीफ होता है, परंतु कर्म जो तुम्हारे खराब है वो कर्म का भरपाई तुम्हें करना है। शास्त्र में हमारे नहीं लिखा है, आगे बताओ, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, और किसने शास्त्र अलग से बना दिया भैया, जरा हमें भी तो बता दो। ये वीडियो में चैलेंज कर रहा हूं, इस वीडियो में चैलेंज कर रहा हूं, जो डीएनए के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, अगर पूरी तरह से जानकारी के साथ में मेरे साथ में बैठे वार्तालाप करे, जिस दिन इसका जवाब दे दिया मैं इस लाइन को छोड़ दूंगा। हम तो यही सुने थे गुरु जी कि अपना भी होता है, अपने पूर्वजों का भी होता है, चूंकि उन्हीं का पूर्वजों का नहीं, हर इंसान के लाइफ में, सुन लीजिए पूरी कहानी सुनिए, हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसे घर में जो तकलीफ होती है ना, तो उसके पूर्वज से होती है, पूर्वज से क्या होती है, वो पितर हो गए जी। कुल देवी से क्यों, क्या हो गया, उसी कुल देवी। अब अपने पूर्वज पितरों का एक हिसाब किताब है, पितर पक्ष में उनका सम्मान करना, हर महीने उनके तरीके से भोग देना, तो ये पितर तो तुम्हारे है ना जी, तो पितरों का सम्मान करोगे तो पितर खुश रहेंगे। अब कुल देवी का सम्मान करोगे तो सब कुछ क्लियर है। अब तुमने एक जन्म लिया, एक जन्म में बहुत सारी चीजें कुकर में कर लिया आपने, किसी को मार दिया, किसी को सता दिया, किसी को तड़पा के मारा। अब वो तड़पा के मारा तो करनी आपकी है, आप पूरी जिंदगी जिए, वहां से शुरुआत हो गई, तुम्हें भोगदंड मिलना, बुढ़ापा जब आता है तो, या तो इंसान का क्या होता है कि जो कुकर्मी होता है, अत्याचारी होता है, उसका क्या होता है कि वो व्यक्ति कर्म तो कर लेता है सब सारी चीजें, लेकिन उसे उसी समय से दंड मिलना चालू होता है जब उसके बोलते हैं ना शरीर की शक्ति खत्म होती है, खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा कुकर्मी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, कुकर्मी इंसान सोते हुए मर जाता है, वो चलते हुए मर जाता है, वो दंड है जी। फिर भी उससे भी उसका काम नहीं होने वाला है। अब वो जितनी बार जन्म लेगा, जितनी बार उसकी ऊर्जा गर्भ में पलेगी, बाहर आएगा, जैसे वो जानकार होगा वैसे ही उसे सजा मिलना चालू। तो ये पितर और डीएनए क्या हो गया भैया, डीएनए क्या हो गया, वहां तो फिर वो बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो डीएनए का नाम लेके क्यों बदनाम कर रहे हो, मतलब बाप छिनाल था तो मैं भी छिनाल रहा हूं, बोलने का मतलब समझ रहे हो ना। बिल्कुल समझ रहे हैं, ये संदेश है लोगों के लिए, लोग जो आज पागलबंदी करते हैं उनके लिए, मैं रियल बता रहा हूं। इस डीएनए के शब्द को ना मैं काट के अलग से वीडियो डालूंगा ताकि सबकी गांड में मिर्ची लगे, माता चलो को
डीएनए बोल के इंसान को मूर्ख बनाते हैं। ओ इतना भी पितर और कुलदेवियां नहीं परेशान करती यार, कहाँ हो तुम कुलदेवियां और हम जो हाँ जी गुरु जी, हम जो अभी कुलदेवियों को जो देते हैं और जो अपना पितर लोगों को दे रहे हैं तो वो सही से हम दे पा रहे हैं कि नहीं? हाँ वो ले रहे, बराबर ले रहे हो। तो आप ऐसे भ्रम में पड़ गए हो ना कि दुनिया बोल दिया कि तुम, कोई बोल रहा है तुम्हारा कान कौवा लेके गया, तो साला कौवे को देखोगे कि अपने कान को देखोगे? असल में गुरु जी ऐसा है ना कि हम इतने साल से हम ग्रसित थे कि उससे निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी तो बहुत निकल गए हैं, बहुत निकल गए और सब आपकी कृपा से निकल गए हैं। देखो मेरे कृपा से नहीं होता है, जब देखो जितना टाइम हमारे कर्म बुरे होते हैं उसका भुगतान हमें हर जगह पे जाके चुकाना पड़ता है, उसके बाद वही कोई ना कोई उसके कारक तो बनते हैं गुरु जी ना, कारक होते हैं। तो आपको भी इधर लाने के लिए वही महादेव और माता का आशीर्वाद है, नहीं आप आते नहीं मेरे पास। वो बात तो एकदम सही है, लेकिन कारक कौन हुए, आप ही हुए ना। अब आपने बड़े बड़े दरबारों में जाके देखा कि इतने बड़े बड़े दरबार है और जब मेरे पास आए तो सोचे मेरा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अभी तो सदमे में थे। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। मेरे पास मनीष का ही काम सबसे बड़ा था। जी 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 जी, उनका भी काम बहुत बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम था। आज भी वो इसे रखा हो यहाँ पे, आज भी उसे कार्य कर रहा हूँ मैं। अब उसका भी होली पे ही पूरा स्वाहा हो जाएगा उसका, क्योंकि होली पे ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि नहीं कटता है। अच्छा। होली पे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी महादेव की माता हमारी दादी जी, और स्वयं उस समय आती है पृथ्वी पे। अच्छा। और वो आ गई पृथ्वी पे, सब खत्म। तो बोलने का मतलब यही है कि आप वो डीएनए सीएनए का नाम लेके, मुझे बड़ा क्रोध आता है, मतलब हम पब्लिकली गाली नहीं दे सकते, नहीं देना भी नहीं चाहिए, पब्लिकली गाली नहीं देते, लेकिन सब लोगों ने धंधा बना लिया है। धंधा ये बना लिया है लोगों को चूतिया बनाओ और पैसे लो, तो उसका खामियाजा भी उनको भी तो भुगतना पड़ेगा ही, आज भोगे चाहे कल भोगे, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना तो उनको भी पड़ेगा। इसलिए कि कितने आदमी का वो, हजारों आदमियों का वो बद्दुआ लिए जा रहे हैं, बद्दुआ लिए जा रहे हैं, बद्दुआ लिए जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना अच्छा कर्म है तब तक वो बचे हुए हैं, जहाँ वो कर्म नीचे हुआ ये कर्म ऊपर हुआ पाप वाला, तो बस फिर भुगतना चालू हो ही जाएगा, भुगतना तो पड़ेगा। देखो हम लोग जैसे आदमी के साथ जो कि इतने नजदीक हम लोग थे कि हम लोग उनको पिता समान मानते थे। चलो नाम मत लो, नाम मत लो उसका, छोड़ो। नहीं नाम नहीं लेते हैं, बिना नाम लिए हुए बोल रहे हैं। बिना नाम लिए हुए बोल रहे हैं। देखो जब इस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग हृदय से मान, कट रहा है आपका, लेकिन हाँ यही मान लेते हैं कि हमारा कर्म था और उनका हमारे ऊपर कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्ज होगा, जो कर्ज चुका चुक गया ये भी अच्छा हुआ। चुकाना तो सबको पड़ता है शत्रु जी। जी जी, चुकाना मुझे भी बहुत चुकाना पड़ा है इस जन्म में, जरा सा भी कुकर्म का क्या होता है नाम तक नहीं सुमिरन करता माइंड में। जी, जी आप तो रहे हो ना, दो तीन महीने रहे हो ना, कितने महीने थे? हाँ दो महीना करीब, डेढ़ महीना। अब डेढ़ महीने में तो आप तो जान गए होंगे कि मैं, मेरी नेचर क्या है, गाली गाली देना है मुंह पे गाली दूंगा। हाँ वो तो बिल्कुल, आपका सब खाता खुला हुआ है, जो है सो सामने है। हाँ और हम अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, हम दुनियादारी करते नहीं, हम आगे के लिए सोचे क्यों? जी जी, महादेव माता नारायण ने जिसके जिस काम के लिए लगाया है उस पे ही हमारा मेन ध्यान है और एकाग्रता उसी पे है, उसी पे है। जी हमें जी, लूटना हो तो भैया हम तो डेली हम 10 लाख रुपए निकाल लें आराम से, आराम से, लेकिन लूटना नहीं है ना। लूट के मतलब इंसान क्या चाहेगा? अच्छा खाते तो वही है ना, दाल चावल,
सब्जी रोटी। तो किसी के पास कितना भी हो जाए लेकिन खाना तो वही दाल रोटी चावल ही है। डायमंड तो नहीं खाएगा ना? सवाल ही नहीं है, उसको खाने का चीजें नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये यक्ष और यक्षिणी को आप अभी एक लड्डू दो लौंग दे दीजिए। अभी दे देते हैं। हाँ, और दे दीजिए, और उसके बाद जब करिए तो उनको निवेदन कर लेना, यक्ष और यक्षिणी लिख लेना आप, यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी जी। और डेली डेली सुबह शाम आधा एक घंटा ध्यान में जाओ। अच्छा ठीक है। और ये इस समय जो भी जिंदगी आपकी रहेगी ना, एक अच्छा बाबा बना के गुजारूंगा मैं तुम्हारा। जैसे आपकी इच्छा। जितना आपने भोगा है ना, उतना लोगों को प्राण दोगे, बचाओगे। उतना यदि हमारे हाथ से हो जाए तब तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बैठे हम सब कराएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अभी आराम करिए आप, ध्यान दीजिए उस पर। ठीक है, चलिए ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए।